गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले शाहिद हारी सरोफ एक ऐसी गेंद कर बैठते हैं जिससे कि बैट जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है यहाँ पर श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, इस वजह से बैट के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और बैट जो है वो टूट जाता है। लेकिन उसका इफेक्ट ये होता है कि एक शॉर्ट गेंद को पूरी तरीके से मिस टाइम कर जाते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर और वो अपना विकेट को खो बैठते हैं और हारी सरोफ को आखिरकार विकेट मिल ही जाता है। उसके बाद वो शुभमन गिल को भी 147 किलोमीटर प्रति घंटे गेंद के ऊपर बोल्ड कर देते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगले वीडियो के।